अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो में कहता हूँ आप सबको शामदीद। आज मैं वीडियो बना रहा था, मैंने कहा चलो यार एक चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ कि इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब के उसमें कहा गया कि आसान साथ और लोन आप जो है आसान ले सकते हैं। तो पहले तो मेरे ख्याल में 14-15 जो पेजेस होते हैं फिलअप करने पड़ते हैं वेबसाइट के थ्रू। अच्छा मैं उस चीज़ पर बात, तो वो तो अलग एक मैटर हो गया, लेकिन सबसे बेसिक बात यह है कि उसमें मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि यार बैंक्स पे आप लोग चेक नहीं रखते। अगर आप दे रहे हैं तो आप बैंक्स को तो थोड़ा चेक करें ना। बैंक्स आप जाएं, एक गरीब बंदे से फर्ज करो आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर ली, तो अव्वल तो आपको इतना प्रोसेस में जल्दी आना ही नहीं है। मैंने खुद बजाते खुद मैं बता रहा हूँ अपना कि मैंने फिलअप किया था एंड 4-6 महीने बाद वो प्रोसेसिंग में था। अच्छा आप ये करें फलाना करें ये करें वो करें, बैंक्स पे आप जब तक वो नहीं करेंगे यकीन माने कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अगर आप ये सोचते हैं कि यार बैंक्स को हम जो है ना वो चेक उन पे रखेंगे नहीं और हम लोग जो है ना बताते जाएंगे और बैंक्स फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बैंक्स का सीन ये है कि जब भी गरीब बंदा जाता है यकीन माने कि अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो जलील ही होना है। क्योंकि बैंक अपनी तरफ से फर्दर हर मामले हर दफ़ा पर आपको टालता रहेगा और नई शरायत आयद करता रहेगा, ये करें वो करें ऐसा करें। अगर आप वो चीज़ें लाते हैं तो उसके बाद फर्दर जिस तरह FATF का है फर्दर आपको तंग किया जाएगा, नहीं आप फलानी चीज़ लाएँ ये लाएँ गारंटियर लाएँ इतने गारंटियर लाएँ उसको लाएँ ये मामला करें वो मामला करें। इसमें यह है कि काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन पर आप चेक करें इनको और इनको थोड़ा बोले कि यार आप गरीबों को गरीब आवाम को आप लोग थोड़ा सहूलत दें, ये ना करें कि आप जो है फर्दर 50 पेजेस पकड़ा दें कि आप ये करो तो वो करो। इस तरह अगर आप जितने भी फैसिलिटेशन आवाम को देंगे तो अगर बैंक्स के थ्रू आप दे रहे हैं और बैंक्स का यही हाल है तो फिर तो मेरे हिसाब से तो बड़ा ही हार्ड हो जाएगा यकीन मान लें। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको समझने की ज़रूरत है और ये चीज़ें हैं भी ऐसी कि ये लाजमी बात है जब आप बैंक के थ्रू ही कर्ज़ा दे रहे हैं तो फिर उनको फिर आपने समझाना ही है कि भाई इजी करें इस मेथड को। तो आज की वीडियो में मैं यही करूँगा कि कहना चाहूँगा बल्कि कि बैंक्स को या फिर गवर्नमेंट को कि प्लीज़ खुदा रहा अगर बैंक्स वाले सुनते हैं ये तो चीज़ फर्दर आसान कर दें आवाम के लिए। अगर गवर्नमेंट सुन रही है तो खुदा रहा आवाम की मुश्किल को थोड़ा आसान करें। इस तरह जिस तरीके से ये आप लोग कर रहे हैं तो इनको थोड़ा इन पर नज़रसानी करें कि इस मामले पे क्या कहाँ पे हम गलत हैं कहाँ पे हम सही है। अगर मैं गलत हूँ तो बेशक आप कमेंट्स में मेरे कई दोस्त अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, अगर मैं दुरुस्त हूँ तो वो भी बता दें। क्योंकि कारोबार शुरू करने के लिए और माइंड सेट बनाने के लिए आइडिया बनाने के लिए अगर आप पहले से ख्वार हो रहे हो तो सारा आइडिया वगैरह आपका कैंसिल हो जाता है ख़राब हो जाता है। सो बस एक छोटी सी वीडियो थी 3-3.5 मिनट की, मैंने कहा बना लेते हैं इसको और गवर्नमेंट को पैगाम देते कि यार इस चीज़ पे सोचिएगा ज़रूर ताकि आपकी रिपीटेशन अगर आपकी गिर भी रही है तो वो इससे बन जाए, लोगों को सहूलत मिलेगा। अगर आप वाकई में सही मायनों में लोगों को सहूलत देना चाहते हैं तो लोगों को सहूलत दें इन चीज़ों के मामले में, आसानियाँ पैदा करें ताकि लोग आसानी से उस चीज़ को अवेल कर सकें इस तरह के बाहर के ममालिक में। तो इंशाल्लाह मैं अब मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।